Good morning, students. This is N.Goyat. So we'll start today the first lesson from our geography book, that is environment. Environment means Pariyavaran. Okay, guys, so let's start. Students in the class, Ravi asked his teacher, what is environment? कक्षा में बच्चे ने टीचर से पूछा कि एनवायरनमेंट क्या है. टीचर ने क्या जवाब दिया? व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर. अध्यापक ने कहा कि जो कुछ भी आप अपने आसपास अपने चारों तरफ देखते हो वो एनवायरनमेंट है, मींस पर्यावरण है. रवि थॉट अलाउड. रवि कहने लगा, दैट मींस द स्कूल बिल्डिंग, table, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment. Ravi कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल का भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहां तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के पार्ट हैं. Yes, said the teacher. But wait, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees, animals. अध्यापक ने कहा, हाँ, लेकिन रुको. कुछ वस्तुओं का निर्माण नेचर ने किया है, यानी प्रकृति ने किया है. जैसे हमारे पर्वत हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, पशु हैं. Others are made by people. दूसरे जो objects हैं, दूसरे जो parts हैं environment के, for example, roads, cars, clothes, books, जैसे कि सड़क है, कार है, कपड़े हैं, किताबें हैं आदि, इनका जो निर्माण है वो मानव के द्वारा किया गया है. Environment is our basic life support system. Students, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं. न केवल human beings, even animals भी environment पर depend करते हैं. It provides the air we breathe, जो हम सांस लेते हैं वो हवा हमें पर्यावरण से मिलती है. द वॉटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, एंड द लैंड वेयर वी लिव. हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए धरती, सब हमें इन्वायरमेंट से मिली हैं. हाउ डू ह्यूमंस बींग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट. लेकिन मानव ने इस प्राकृतिक जो पर्यावरण है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, में कैसे परिवर्तन किया है. फॉर एग्जाम्पल, द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर. आप देख सकते हैं कि कार का जो धुआं है वो हमारी वायु को प्रदूषित करता है, दूषित करता है. वॉटर इज कलेक्टेड इन ए पॉट. पानी का जो पात्र जो एकत्रित किया गया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का जो निर्माण होता है. फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड द लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फॉरेस्ट. तो ह्यूमन बींग्स मेक्स कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स. मानव ने कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है. इस प्रकार से हम कह सकते हैं, दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किया है. अब आप देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के तीन मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट है नेचुरल. नेचुरल के अंदर लैंड, जैसे एयर है, वाटर है, और लिविंग थिंग्स हैं.
दूसरा कंपोनेंट्स है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड्स मीन्स ऐसी चीज़ें, ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो इंसान के द्वारा या मानव के द्वारा बनाई गई हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने आसपास जो आप बिल्डिंग्स देखते हैं, आपके खेलने के मैदान हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं और मोनूमेंट्स हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट्स या चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पर्यावरण का हमारे, वो ह्यूमन इट्सेल्फ यानी मानव खुद है। इसके अंदर इंडिविजुअल व्यक्ति, फैमिली परिवार भी आता है, कम्युनिटी भी आता है, रिलीजन भी आता है, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सभी जो हैं वो हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल जिसमें लैंड, एयर और वाटर, ह्यूमन मेड इसमें बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रेडियो, इंडस्ट्रीज, मोनूमेंट्स। इसके अलावा आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास देखेंगे, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन है, आपका बाइसाइकिल है, आपकी कार है, आपके घर में रखी हुई दूसरी चीज़ें हैं जो ह्यूमन मेड्स हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन है, जिसमें हमने इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन के बारे में पढ़ा। जो फ्रॉम द अबो कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ऊपर जो हमने पढ़ा है, ऊपर जो हमारी बातचीत हुई है, उसके आधार पर हम ये समझेंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर जो लोक हैं, जो स्थान हैं, वस्तुएं हैं, एवं नेचर है, उन सभी को हम पर्यावरण कहते हैं। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का एक मिश्रण है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। बायोटिक रिसोर्सेज क्या हैं या एनवायरनमेंट क्या है? बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव जो प्राणियों का संसार है, जीवित प्राणियों का जो संसार है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी बायोटिक एनवायरनमेंट के अंग हैं। एबायोटिक एनवायरनमेंट द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल लैंड। जितनी भी अजीवीय यानी निर्जीव पदार्थों का जो संसार है उसे, जैसे लैंड है, उसे हम क्या कहते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज। नेचुरल एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, ये सब मिलकर प्राकृतिक या नेचुरल एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं यानी बनाते हैं। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले भी परिचित होंगे क्योंकि आप अपनी पिछली कक्षाओं में इन सब के बारे में जानकारी ले चुके हैं। तो let us learn some more facts about these domains. तो हम आगे बढ़ने से पहले इन जो स्थलाकृतियां हैं महाद्वीपों के अलावा, इन तथ्यों के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या है? इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की जो ठोस परपटी है यानी ऊपरी जो कठोर परत है, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स
एंड कवर्ड बाई थिन लेयर ऑफ सॉइल। भूमि की जो सबसे ऊपरी जो परत है जिसे आप क्रस्ट या लिथोस्फीयर बोलते हैं, ये चट्टानों और खनिजों से मिलकर बनी है और एक पतली सी लेयर जो है मिट्टी की इसके ऊपर बनी हुई है। इट इज़ इन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विषम धरातल होता है। मीन्स आपको जो लैंडफॉर्म्स है, हमारी धरती है जिस पर हम रहते हैं, उस पर अलग अलग लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पहाड़ भी होंगे, माउंटेन्स भी होंगे, रिवर्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेटोज भी हैं, प्लेन मैदान भी हैं, वैलीज भी हैं। तो मीन्स ये सारे के सारे जो हमारी लैंडफॉर्म्स है, जो लिथोस्फीयर है, उसका पूरा के पूरा एक जैसा आकार या शक्ल सूरत उसकी एक जैसी नहीं है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। अभी जो लिथोस्फीयर जो पार्ट है, स्थलमंडल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बहुत सारी ज़रूरतें इसी से पूरी होती हैं। जैसे इसी से हमें वन मिलते हैं, पशु चराने के लिए चरागाह मैदान मिलते हैं, खेती करने के लिए ज़मीन यहीं पर होती है, और जो मानव बस्तियां हैं, जो हमारे घर बने हुए हैं, हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, हमारी सड़कें बनी हुई हैं, वो सभी इसी स्थलमंडल पर यानी लिथोस्फीयर पर बनी होती हैं। या पर्यावरण के जो देखिए आप, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर, आप इस पिक्चर के द्वारा आप देखने की कोशिश कीजिए। हाइड्रोस्फीयर मीन्स पानी आपको नज़र आ रहा है, एटमॉस्फीयर जहाँ पर वायु एयर होती है, बायोस्फीयर वो पार्ट होता है जहाँ पर लैंड, एयर और वाटर तीनों इंटरेक्ट करती हैं, तीनों चीज़ें मिलती हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। और लिथोस्फीयर वो पार्ट है, भूमि है, सबसे ऊपरी पार्ट जहाँ हमारे मकान, हमारी सड़कें, हमारे भवन, हमारे खेल के मैदान, कृषि योग्य भूमि सब मिलती हैं। अब एनवायरनमेंट शब्द की जो ओरिजिन है वो क्या है, किस कैसे ये प्रचलन में आया। एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड है जो एनवायरर यानी एनवायरर से बना है, जिसका मतलब है नेबरहुड यानी पड़ोस। तो एनवायरनमेंट कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है जो एनवायरर वर्ड से बना है। अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम हाइड्रोस्फीयर पढ़ लेंगे। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जल का जो क्षेत्र है यानी उसको हम जल मंडल कहते हैं। अब भूमि के ऊपर आपने देखा होगा कि 2/3 जो है वो हमारे सरफेस का वो वाटर से घिरा हुआ है, इसे हम हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल कहते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एट्सेट्रा। यह जल के जो विभिन्न सोर्सेज हैं, हमें जल के हमारे वाटर के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे रिवर्स हैं, नदियां हैं, लेक्स झीलें हैं, सीज हैं, सागर्स हैं, ओशंस हैं, महासागर हैं, इन सभी से हमें हमारे जो वाटर की ज़रूरतें वो पूरी होती हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, पानी उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक लाइफ का एसेंशियल ऑब्जेक्ट है। द एटमोसफियर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। मीन्स पृथ्वी के जो चारों ओर जो फैली वायु की जो पतली परत है, उसे एक लेयर, थिन लेयर है हवा की, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द
अर्थ होल्ड्स द एटमोसफियर अराउंड इट। यह सूर्य पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो अपने चारों ओर के वायुमंडल को एक रोके हुए है, थामे हुए है, मीन्स एक छाता हमारे ऊपर आप कह सकते हो बनाए हुए हैं। एटमोसफियर का भी हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। सूर्य जो है हमें, सॉरी, एटमोसफियर जो है हमें सूर्य की जो हार्मफुल रेज हैं, हानिकारक जो किरणें हैं, एंड स्कॉर्चिंग हीट यानी झुलसा देने वाली गर्मी, बहुत तेज गर्मी जो है उससे हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। द चेंजेस इन द एटमोसफियर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जैसे ही वातावरण में या पर्यावरण में, वायुमंडल में परिवर्तन होता है, तो मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जैवमंडल। जैवमंडल किससे बना है? पादप यानी जीव जंतु, वनस्पति और जीव जंतुओं से मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण हुआ है, बायोस्फीयर का निर्माण हुआ। इसके अंदर जो लिविंग बींग्स हैं वो चीज़ें मिलकर के बायोस्फीयर को बनाती हैं। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइट। स्टूडेंट्स, जहाँ भूमि, जल और वायु तीनों चीज़ें मिलती हैं एक जीवन के लिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे तीनों, वो जहाँ तीनों चीज़ें पाई जाती हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब देखिए आप, इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम पारितंत्र क्या है? इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। देखिए, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी यानी लिविंग बींग्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तथा पर्यावरण जो है हमारा, इन्वायरमेंट के उन भौतिक, फिजिकल एवं जो केमिकल फैक्टर्स हैं उनके साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जहां जिसमें वो निवास करते हैं, और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के ट्रांसफ़र का काम करते हैं, स्थानांतरण का काम करते हैं।